ఈ నెల 18 నుంచి 22 వరకు ప్రధాని మోదీ పార్లమెంట్ ప్రత్యేక సమావేశాలను ఎందుకు నిర్వహిస్తున్నారో ఎవరికి తెలియదన్నారు ఎంపీ సంజయ్ రౌత్. ఈ సమావేశాలకు ఎందుకు పిలిచారో కూడా చెప్పలేదన్నారు. మహారాష్ట్రలో గణేష్ ఉత్సవాలు ఉండడంతో తాము పార్లమెంట్ సమావేశాలకు వెళ్లడం లేదన్నారు. అరుణాచల్ లడక్లలో చైనా ఆక్రమంగా భూభాగాన్ని ఆక్రమించుకోవడంపై చర్చ జరిగితే తాను స్వాగతిస్తానని చెప్పారు. అమృత్కాల్కి బాత్ కయ్యా విశేష అధివేశన్ విశేష సత్ర బులాయా హై. किसी को पता नहीं है सत्र क्यों बुलाया है. हमारे यहाँ महाराष्ट्र में तो गणेश उत्सव होता है, हम लोग बाहर नहीं जा सकते. जैसे गुजरात में नवरात्र उत्सव होता है तो लोग बाहर नहीं जाते, उपवास करते हैं. तो नवरात्र उत्सव में कभी मोदी जी अपना सत्र नहीं बुलाया गया, कोई दिल्ली में कार्यक्रम नहीं रखेंगे, क्योंकि बोले हमारा व्रत है. महाराष्ट्र के लोगों का भी व्रत होता है 11 दिन का, और उसी हमारे अमृतकाल में जो महाराष्ट्र का अमृतकाल है लोग वहां काम कर गए, तो आपने दिल्ली में हमें बुलाया. आप 2-4 दिन आगे पीछे कर सकते, लेकिन हमेशा महाराष्ट्र के साथ दुर्व्यवहार होता है 10 साल से. तो हमने पूछा है कि अगर ये सत्र की योजना आपने की है उसका कारण क्या है. हमें लगता है सुनने में आया है कि मोदी जी जो चाइना लड़ाख में घुस गया है उसके ऊपर चर्चा करना चाहते हैं, मणिपुर पर चर्चा करना चाहते हैं. चाइना ने जो एक मैप पब्लिश किया है जिसमें अरुणाचल लड़ाख की भूमि को अपने मैप पर दिखाया है चाइना ने, उससे वो बहुत संतप्त है, उसके ऊपर चर्चा करना चाहते हैं, तो हम स्वागत करते हैं. अगर विशेष सत्र बुलाया है तो चाइना के आक्रमण पर चर्चा होनी चाहिए, और मोदी जी करने जा रहे हैं विशेष सत्र.